नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल फन स्टडी में। दोस्तों, स्टैटिक जीके के बाद कर्तव्य सीरीज की शुरुआत हो गई है। दोस्तों, कर्तव्य सीरीज में जियोग्राफी का कंप्लीट अध्ययन कराया जा रहा है। दोस्तों दोस्तों, लक्ष्य चाहे छोटा हो पर संकल्प हमेशा बड़ा होना चाहिए। इन हौसलों के साथ दोस्तों हम आगे शुरुआत करेंगे। और दोस्तों, आप अपने कर्तव्य का पालन करिए, नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए। दोस्तों, आप एग्जाम में जरूर सफल होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है भारतीय सीमा एवं पड़ोसी देश में। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों द्वीप समूह, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है भारत में कुल द्वीपों की संख्या 247 है, जिसमें 204 बंगाल की खाड़ी तथा शेष 43 अरब सागर में स्थित हैं। दोस्तों, ये डिजिट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसमें वे सभी द्वीप आते हैं जो बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं और इनकी संख्या दोस्तों 204 है। दोस्तों, जो भी द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं उन्हें मिलाकर दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है यह ज्वालामुखी द्वीप का उदाहरण है। दोस्तों, द्वीप का निर्माण मुख्यतः दो तरीके से होता है, एक दोस्तों प्रबाल भित्ति से और एक दोस्तों ज्वालामुखी उद्गार से। तो दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण दोस्तों लगभग ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है, इसलिए दोस्तों यह ज्वालामुखी द्वीप का उदाहरण है। दोस्तों, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। दोस्तों, ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और कंफ्यूजन में दोस्तों हमसे गलत भी हो जाते हैं, इसलिए दोस्तों हमने इस पॉइंट का समावेशन किया है। दोस्तों, नेक्स्ट है अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी सैंडल चोटी है और निकोबार की सर्वोच्च चोटी धुलियार है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आपका उत्तर सैंडल चोटी होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आपसे अलग अलग पूछा जाता है कि अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आपका उत्तर सैंडल चोटी होगा। और निकोबार की सर्वोच्च चोटी दोस्तों पूछा जाता है, तो आपका उत्तर धुलियार होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य दोस्तों 10 डिग्री चैनल है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और लगभग यूपीपीएससी, यूपीएसएससी, एसएससी किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट है डंकन दर्रा दक्षिणी अंडमान व छोटा अंडमान के मध्य स्थित है। दोस्तों, दर्रा दो पहाड़ों के बीच में जो जगह होती है वो दोस्तों दर्रा कहलाती है। दोस्तों, ये दक्षिणी अंडमान व छोटा अंडमान के मध्य जो बीच में दोस्तों आने जाने का या कुछ भी कह लीजिए जो जगह है दोस्तों, उन्हें हम डंकन दर्रा के नाम से जानते हैं और ये दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर में ही सेलुलर जेल है। दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि पहले लोगों को काला पानी की सजा हो जाती थी। दोस्तों, काला पानी जगह जो है वो दोस्तों सेलुलर जेल को ही कहा जाता था, जो कि पोर्ट ब्लेयर में दोस्तों स्थित है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इनका नोट्स बनाइएगा और याद करिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है बैरन द्वीप अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। दोस्तों, सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब आप जानते होंगे कि इसमें लगभग उद्गार दोस्तों होता रहता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का क्या नाम है। आपका उत्तर दोस्तों बैरन द्वीप होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है नारकोंडा में एक सुसुप्त ज्वालामुखी है जो
इसी द्वीप समूह में स्थित है दोस्तों। एक सक्रिय ज्वालामुखी और एक सुषुप्त ज्वालामुखी जो कि यहाँ स्थित है। सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बैरन द्वीप तथा सुषुप्त ज्वालामुखी का नाम दोस्तों नारकोंडम है। नेक्स्ट पॉइंट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन एवं पर्णपाती वनों का संयोजन है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों आपसे, अंडमान एवं निकोबार द्वीप में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन आपको बहुत ही देखने को मिल सकता है। इसलिए दोस्तों वहाँ पर तीन प्रकार के वन मुख्यतः मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन एवं पर्णपाती वनों का दोस्तों संयोजन है। नेक्स्ट पॉइंट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है। ये भी दोस्तों आपको पहले ही क्लास में बताया गया है, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु। तो जो दोस्तों दक्षिणी बिंदु है वो आपका अंडमान निकोबार द्वीप में ही स्थित है जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट दोस्तों, अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप है जो कि कोको जलमार्ग द्वारा इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। दोस्तों अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप जो है वो लैंडफॉल द्वीप है और दोस्तों वो म्यांमार के कोको द्वीप से कोको जलमार्ग द्वारा दोस्तों अलग होता है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोज में कोई त्रुटि लगे तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करें। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो आप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों चैनल पर हिंदी, हिंदी साहित्य, साइंस, इंग्लिश थॉट, ग्रामर रूल की क्लास चल रही है जो कि आपके आगामी वनडे एग्जाम और बोर्ड एग्जाम दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों उनको भी देखते रहिए, शेयर करते रहिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।